जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं अशंका चक्रवर्ती। अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है सप्तपुरी अमावस्या और आज के दिन जगन्नाथ मंदिर में कुछ स्पेशल भोग लगते हैं, जैसे सप्तपुरी पीठा जो हमने लास्ट ईयर बनाया था, और उसके साथ और एक प्रसाद भोग के रूप में लगता है, उसको कहा जाता है पूरो भोगो। आज हम वो पूरो भोगो बनाएंगे। बहुत सी सिंपल रेसिपी है, बहुत कम समय में बनता है। लास्ट ईयर मैंने इसको नहीं दिखाया था और ये प्रसाद सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे जो पूरो भोगो आज हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। तो यहाँ पर पूरो बनाने के लिए हमें मेन दो सामग्री चाहिए। जो मुख्य दो सामग्री हैं वो है नारियल। यहाँ पर मैंने एक कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है और एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है चना दाल। ये 4 घंटे से भिगोया हुआ है। 4 घंटे तक भिगोने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये दोनों सामग्री हमें मुख्य चाहिए होंगी और इसके साथ चाहिए होंगे हमें गुड़, घी और कुछ साबुत गरम मसाले। जो मसाले हम मंदिर में भोग में यूज़ करते हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मसाले कौन से हैं, और जो नए सब्सक्राइबर हैं मैं उनको लिए बता दूँ, बड़ी इलायची, लौंग और जायफल का हमें पाउडर चाहिए होगा इस पूर की रेसिपी के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पूरा। तो पूर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन गरम कर लिया है और उसमें हम दे रहे हैं 1/2 चम्मच घी। ज़्यादा घी हमें इसमें नहीं देना है, सिर्फ 1/2 चम्मच मैं इसमें घी दे रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। 1 कप मैंने यहाँ पर नारियल लिया है तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर 3 बड़े चम्मच गुड़ देंगे। याद रखिएगा ये जो भोग की रेसिपी है वो गुड़ से ही बनती है। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है कि जगन्नाथ मंदिर में पहले जो रेसिपीज बनती थी मीठी वो गुड़ से बनती थी, क्योंकि शुगर का इस्तेमाल यहाँ पर भारत में तो नहीं होता था ना, तो ब्रिटिश आए साथ में शुगर लेकर आए, तो उसके आने से पहले जो मंदिर यहाँ पर भोग होता था मंदिर में वो गुड़ से होता था। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी देंगे। तो अभी हम ये गुड़ और घी और पानी को पकाएंगे, तब तक जब तक ये गुड़ अच्छी तरीके से पक ना जाए और गुड़ पकने की हमें खुशबू ना आ जाए तब तक हमें पकाना है। उसके बाद ही हम दूसरी सामग्री इसमें डालेंगे। अभी गुड़ को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मैं इसको धीमी आंच पर पका रही हूँ ताकि गुड़ का जो कच्चा कच्चा स्मेल है वो चला जाए और उसको पकने के बाद जो स्मेल आना चाहिए वो आ चुका है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, जो चना दाल हमने भिगो के रखा था उसको हम डाल देंगे। कच्चा दाल मत डालिए, मतलब दाल को भिगो के ही डालिए, क्योंकि दाल का फूलना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अगर प्रसाद बनाने के बाद आप उसको खाएंगे तो चबा नहीं पाएंगे उसको। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कसा हुआ नारियल। अभी हमें इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है ताकि नारियल अच्छी तरीके से पक जाए, लेकिन धीमी आंच पर। लास्ट ईयर मैंने सप्तपुरी पीठा डाला था और इस बार उसके साथ दिए जाने वाला पूर मैं डाल रही हूँ। ये पूर के हिसाब से ही भोग लगता है मंदिर में। कभी आपने सुना नहीं होगा कि नारियल का जो पूर है, जो स्टफिंग, उड़िया में पूरों का मतलब होता है स्टफिंग, जिसको स्टफिंग हम कहते हैं उड़िया में उसको पूरो बोलते हैं। तो चना दाल डाल के नारियल का पूर आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर ये पूर भोग होने के लिए जाता है। अभी देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो अभी मैं उसमें कुटी हुई बड़ी इलायची, लौंग और जायफल थोड़ा सा दे रही हूँ, बहुत कम दे रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम बनाया है और जायफल का स्मेल बहुत हार्ड होता है, इसलिए मैंने बहुत कम दिया है। और अभी मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ, जो हमारा पूर है वो बनके तैयार है। तो ये देखिए, ये हमारा पूर बनके तैयार है, जो कि सप्तपुरी अमावस्या के दिन सप्तपुरी पीठा के साथ जगन्नाथ मंदिर में लगता है।
भोग डालने में थोड़ी देर होगी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और ये भोग आप अपने घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम समय लगता है, 10 मिनट के अंदर ये भोग बन के तैयार हो जाएगा। हर भोग एक एक ओकेजन में बनता है, तो ये सप्तपुरी अमावस्या के दिन बनता है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक रहते हैं, जय जगन्नाथ, जय माँ काली।